सिर्फ एक कटोरी साबूदाने से आज हम बनाएंगे व्रत स्पेशल दो साबूदाना की रेसिपी, जिसे बनाना तो आसान है, ये खाने में भी कई ज़्यादा लाजवाब लगेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे एक कटोरी साबूदाना। साबूदाना को हम पानी में डाल के इसे अच्छे से धो लेंगे, जिससे साबूदाने के ऊपर लगे सारी धूल अच्छे से निकल जाएगी। और अब हम इसका पानी छान लेंगे और अब आप देख सकते हैं हमारा साबूदाना बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गई है। तो अब हम पानी को साइड में रखेंगे और अब धुले हुए साबूदाना में हम एक पानी डालेंगे। पानी हम उतना ही डालेंगे जिसमें साबूदाना अच्छे से डूब जाएगी। और अब हम इसे ढक कर 2 घंटे के लिए पानी में फूलने होतेंगे या फिर सूख होने देंगे। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट के लिए भी सूख होने के लिए रख सकते हैं। 2 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हैं साबूदाना पानी में बहुत ही अच्छे से फूल के डबल हो गई है। और अगर पानी आपका ज़्यादा रह गया है तो आप पानी को छान सकते हैं। और अब हम एक पैन लेंगे, आप पैन की जगह कढ़ाई या नॉन स्टिक लेयर वाला पैन का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पे पैन को गर्म होने देंगे। आप देख सकते हैं पैन गर्म हो गई, तो हम इसमें आधी कटोरी मूंगफली डालेंगे। मूंगफली डाल करके इसे हम मीडियम फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे मूंगफली हमारी अच्छे से भून जाएगी और ये क्रंची भी हो जाएगी। मूंगफली हमारी अच्छे से भुनी है कि नहीं, इसके लिए हम एक मूंगफली लेके हाथों से दबा करके चेक कर लेंगे। और इसका छिलका इजीली निकल रहा है, इसका मतलब है कि मूंगफली हमारी बहुत ही अच्छे से भुन गई है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और मूंगफली को प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। और अब हम आधी मूंगफली को इस तरीके से कूट करके इसका दरदरा पाउडर बना लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में भी डालकर इसे ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप कूटेंगे तो इसके जो चंक्स रहते हैं वो खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे कूट लिया है, तो हम इसे साइड में रखेंगे। और अब हम एक बार फिर से गैस ऑन करेंगे और पैन को फिर से गर्म होने के लिए रखेंगे। और अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और जीरे को ऑयल में अच्छे से क्रैक होने देंगे। और अब हम इसमें 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। यहाँ मैंने बड़े टुकड़ों में हरी मिर्च को काटा है, जिससे बच्चे भी अगर खा रहे हैं तो उसे निकाल सके। और अब हम इसमें 10 से 12 कड़ी पत्ता डालेंगे। उबले हुए 1 कटे हुए आलू डालेंगे और इन सभी को मीडियम फ्लेम पे हम पैन में अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। हमें इसे 1 मिनट के लिए भूनना है, जिससे सभी इंग्रेडिएंट का कच्चापन खत्म हो जाएगा और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हम इसमें भुने हुए मूंगफली या पीनट डालेंगे और इसे भी डालकर हम सभी इंग्रेडिएंट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमारा मूंगफली ऑलरेडी पहले से भुना हुआ है तो हमें इसे ज़्यादा भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसमें सोक किए हुए या भिगोए हुए साबूदाना डालेंगे। साबूदाना डालकर गैस का फ्लेम 1 मिनट के लिए हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे अच्छे से चलाते हुए पैन में ही भून लेंगे। इस तरीके से अगर आप साबूदाना इस स्टील के भी पैन में बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं, एकदम अच्छी सी और खिले खिले बनेगी। और अब आप देख सकते हैं साबूदाना को भूनते हुए लगभग 20 से 25 सेकेंड हुए और साबूदाना का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। और अब हम इसमें दरदरी हुई मूंगफली डालेंगे और इसे भी डालकर हम पैन में इसे अच्छे से चलाते हुए साबूदाने के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें व्रत वाला नमक डालेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार ही डालें। नमक डालकर फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं इसे यहाँ डाल करके, यहाँ मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए भुना है और साबूदाना हमारे बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। तो जब भी आपको व्रत में कुछ हल्का फुल्का या फिर शाम को खाना हो तो आप इस तरीके से साबूदाना को 1 घंटे पहले भिगो देंगे तो इसका ईजिली इस तरीके से हेल्दी और टेस्टी साबूदाना खिचड़ी बना सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो हम इसे और भी ज़्यादा चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए इसमें 1/2 नींबू का रस काढ़ेंगे और ये डालना ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी ये साबूदाना की खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और साबूदाना को हम अच्छे से चला लेंगे, जिससे ये आपस में चिपकेगी नहीं और एकदम खिले खिले बनेगी। और साबूदाने की खिचड़ी बनाए हुए लगभग
दो से तीन मिनट हुए और इसे यहाँ मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। और ठंडा होने के बाद अब हम इसे प्लेट में सर्व कर रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं हमारी साबुरदाने की इंस्टेंट और झटपट एकदम स्वादिष्ट खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। आप इस तरीके से अगर व्रत में डेली भी बना के खाएंगे तो बिल्कुल बोर नहीं होंगे और ये दिन भर आपको एनर्जेटिक रखेगी। तो इसे बनाएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम इसकी दूसरी रेसिपी भी देख लेते हैं। इसके लिए हम एक बर्तन लेंगे और इसमें दो उबले हुए आलू डालेंगे। आलू डालकर हम इसे हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। आप चाहे तो आलू को पोटैटो मैशर से मैश भी कर सकते हैं या फिर इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, उससे भी ये जल्दी अच्छे से ग्रेट हो जाएंगे। और यहाँ कम आलू थे तो इसीलिए मैंने इसे हाथों से ही अच्छे से मसल लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें सोख किए हुए साबुदाना डालेंगे। और साबुदाना यहाँ मैंने एक कटोरी डाली है। एक कटोरी डालकर फिर से हम आलू में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे साबुदाना में आलू से मिक्स करने के बाद बहुत ही अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी। और अब आप देख सकते हैं इसे मिलाते हुए लगभग 15 से 20 सेकेंड हुए हैं और साबुदाना और आलू अच्छे से मिक्स हो गई है। और अब हम इसे चटपटा बनाने के लिए इसमें 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। आप चाहे तो सूखी वाली लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे और अगर आप व्रत में अदरक खाते हैं तो आप बारीक कटे हुए अदरक भी इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसमें 10 से 12 कड़ी पत्ते को इस तरीके से तोड़ के डालेंगे। आप कड़ी पत्ते की जगह धनिया की पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार या 1/2 टीस्पून सेंधा नमक डालेंगे। और अब हम इसे और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें 1 से 2 चम्मच दरदरा कुटा हुआ मूंगफली डालेंगे। मूंगफली डालकर अब हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी जो रेसिपी है और भी ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल लगे इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून नींबू के रस का यूज़ की हूँ। आप चाहे तो इसके जगह आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी जो रेसिपी है एकदम चटपटी बनेगी। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब नींबू के साइज में साबुदाना और आलू के डो लेंगे और इसे हाथों पे अच्छे से गोल घुमाते हुए बॉल्स का शेप देंगे। और अब हम इसे अंगूठे से अच्छे से दबाते हुए इसे वड़ा का शेप और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और सेम तरीके से हम थोड़ा सा और साबुदाना वाला डो लेंगे, उसे भी हम बॉल बना लेंगे और बीच में हल्का सा दबा लेंगे और इसे भी हम वड़ा का शेप दे के प्लेट में रखेंगे। और सेम तरीके से यहाँ मैंने सारे साबुदाने के बड़े बना के तैयार कर लिए हैं। और यहाँ मैंने कढ़ाई में मूंगफली का तेल डाल करके इसे गर्म होने के लिए रख दी थी। यहाँ मैं लोहे की कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे वड़े इस तरीके से ऑयल में डालेंगे। यहाँ मैं इसे एक साथ में सारे वड़े डालती हूँ, लेकिन आप ऐसे ऐसे नहीं डालिएगा। एक बार में 2 से 3 ही वड़े फ्राई कीजिएगा, क्योंकि वड़े को इसे फ्राई होने के लिए स्पेस नहीं मिला। इसके वजह से मेरे जो वड़े हैं थोड़े से स्टिकी हो गए थे, लेकिन खाने में बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बने थे। तो सिर्फ आप एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि वड़े को फ्राई करते समय अब एक साथ ज़्यादा वड़े ना डालें। और अब आप देख सकते हैं मेरे सारे वड़े आपस में चिपक गए हैं, लेकिन ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसे छान करके इसके ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद आप इसे इस तरीके से अलग कर ले तो आपके बहुत ही यम्मी और टेस्टी साबुदाना के वड़े भी इस तरीके से झटपट से बनके तैयार हो जाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे और इजीली ये बनके तैयार हो जाती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।